हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। मैक्सिमल्स को दिखाया जाता है जो कि दूसरे प्लेनेट पर रहते थे, जहां उन पर एक विशाल प्लेनेट के साइज का दानव यूनिकॉर्न हमला करता है। वो अपने सबसे खास टेरकोन स्कर्ज को ट्रांसवॉर्प की लेने के लिए बेचता है। ट्रांसवॉर्प की खास चाबी थी जो पोर्टल्स को खोलकर स्पेस में कहीं भी ले जाने में मदद करती थी। मैक्सिमल्स का लीडर एपलिंक अपनी टीम के साथ टेरकोन्स का मुकाबला करता है। उसे पता था वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता, इसीलिए वो ऑप्टिमस प्राइमल को नया हेड बनाकर उसे ट्रांसवॉर्प की सौंपता है और जल्दी से प्लेनेट को छोड़ने के ऑर्डर्स देता है। एपलिंक खुद का सैक्रिफाइस करता है। स्कर्ज उसके पास आता है। उन दोनों में लड़ाई होती है, पर स्कर्ज अपने एक ही वार से एपलिंक को खत्म कर देता है। ऑप्टिमस प्राइमल अपने साथियों के साथ वहां से निकलने में कामयाब होता है। फिर यूनिकॉर्न उस पूरे प्लेनेट को निगल जाता है। अर्थ पर 1994 में एक्स मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट नोआ को दिखाया जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर कर अपना खर्चा चलाता था, जहां वो अपने भाई क्रिस से मिलता है जिसे सिक्स सेल डिजीज थी। उसका हाथ सूज जाता है। नोआ अपने दोस्त को उसका डिवाइस रिपेयर कर देता है। दूसरी साइड आर्टिफैक्ट्स इंटर्न एलिना वोलिस को पुलिस की रेड में पकड़े हुए एंटिक आर्टिफैक्ट्स को दिखाया जाता है। अलीना को एयर रेजर स्टैचू दिखता है, जिसे अलीना चेक करती है। उसकी सीनियर बताती है ये होरस है जो इजिप्ट से आया है। अलीना को शक होता है ये वैसा नहीं लग रहा, फिर वो उसके बारे में रिसर्च करने लगती है। नोआ अपने ब्रदर को चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ स्टाफ उसे 3 महीने का बिल मांगता है। नोआ फिर अपने ब्रदर को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहाँ ऑफिसर बिशप उसे कहता है तुम में सभी क्वालिटीज हैं, पर मैंने तुम्हारे एक्स बॉस से बात की थी जिन्होंने बताया तुम भरोसेमंद नहीं हो। नोआ उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करता है, पर बिशप उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर नोआ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। क्रिस रास्ते में अपने ब्रदर को शांत करने की कोशिश करता है। फिर नोआ अपने दोस्त रिक के साथ चोरी करने लगता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। रिक उसे पोर्श 911 चुराने के लिए कहता है। दूसरी साइड अलीना अपने सीनियर को बताती है उस स्टैचू पर 5000 BC की डेट लिखी हुई थी, पर न्यूबियंस का इजिप्शियंस से कॉन्टेक्ट उसके 600 साल बाद हुआ था। ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, पर सीनियर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। नोआ छिपके से कंपनी के अंदर आता है और छिपते छिपाते बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे पोर्श दिखती है। अलीना स्टैचू के पास जाकर रिसर्च करती है और उसके अंदर से एनर्जी लाइट्स पास करती है, तभी स्टैचू टूट कर बिखर जाता है, जिससे उसके अंदर से ट्रांसवॉर्प की निकलती है और उससे एनर्जी बीम रिलीज होकर आकाश में सभी को दिखने लगती है। ऑप्टिमस प्राइम उसे देखकर अपनी टीम के ऑटोबोट्स को बुलाता है। नोआ को पोर्श में कुछ गड़बड़ लगती है, तभी कार खुद से स्टार्ट होकर वहां से निकल जाती है। नोआ को कुछ समझ नहीं आता ये उसके साथ क्या हो रहा है, वो घबराने लगता है। पुलिस उनके पीछे आती है। कार उन सभी को खुद ब खुद चकमा देती है और अपने बहुत सारे होलोग्राम्स बनाती है, जिससे पुलिसमैन कंफ्यूज होकर ब्रिज डिवाइडर पर टकरा जाता है। फिर कार उसे सीक्रेट प्लेस पर लाकर अपने अंदर से बाहर फेंकती है, जहां वो अपनी फॉर्म चेंज करती है। वो ट्रांसफॉर्मर था जो अपना नाम मिराज बताता है। नोआ उसे देखकर चौंक जाता है। मिराज उसे अपने बारे में बताने लगता है, तभी वहाँ ऑप्टिमस प्राइम पहुँचता है, जिसके बाद बम्बलबी भी अपनी सोलो मूवी के बाद एंट्री मारता है। सभी ऑटोबोट्स साथ आते हैं, जहां ऑप्टिमस उन्हें ट्रांसवॉर्प की के बारे में बताने लगता है। ये की बहुत कीमती है, जो कि हजारों साल पहले खो चुकी थी। की को पहले स्पेस टाइम पोर्टल खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्टिमस के मन में उम्मीद जगती है, इसकी मदद से वो भी अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन पर वापस जा सकते हैं। फिर वो म्यूजियम से ट्रांसवॉर्प की को बिना किसी को पता चले चुराने का प्लान बनाते हैं, जहां मिराज नोआ से रिक्वेस्ट करता है, पर वो नहीं मानता। फिर वो उसे आइडिया देता है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, एक बार तुम वो की ले आओ तो मैं अपनी फॉर्म चेंज कर लूंगा, जिससे तुम मुझे मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच देना। नोआ मजबूर होता है, इसीलिए वो मान जाता है। फिर वो दोनों म्यूजियम में आते हैं, जहां अलीना ट्रांसवॉर्प की को लेकर भागने लगती है। नोआ उसे शांति से की को देने के लिए कहता है, तभी वहां टेरकोन स्कर्ज अपनी टीम के साथ पहुंचता है, जिसके बाद वो बहुत बड़ा धमाका करता
भागता है। नुआ अलीना को वहाँ से भागने के लिए कहता है। स्कर्च अपनी बॉडी से प्रेडाकोन्स को निकाल कर उन्हें खत्म करने के लिए भेजता है। ऑप्टिमस अपनी टीम के साथ सिचुएशन को संभालने के लिए आता है। दोनों साइड्स में लड़ाई होने लगती है। ऑप्टिमस स्कर्च का मुकाबला करने की कोशिश करता है पर उसके सामने टिक नहीं पाता। नुआ एंड अलीना प्रेडाकोन्स से छिपते हुए म्यूजियम से बाहर जाने लगते हैं। तभी अलीना को एक प्रेडाकोन मारने वाला होता है। नुआ उसकी जान बचाता है। दोनों बाहर आते हैं। ऑटोबोट्स कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी नाइटबर्ड बॉम्ब फेंक कर धमाका करती है जिससे अलीना के हाथ से की गिरती है। बम्बलबी स्कर्च को रोकने के लिए जाता है। ऑप्टिमस उसका साथ देता है पर वो घायल हो जाता है। नाइटबर्ड की ले लेती है। तभी बम्बलबी स्कर्च पर हमला करने लगता है जहां स्कर्च उसे पकड़कर उसके अंदर से तलवार को आर पार करता है और उसे शोक देकर उसकी मुंडी तोड़ देता है जिससे बम्बलबी ऑप्टिमस की आंखों के सामने वहीं मारा जाता है। फिर स्कर्च ऑप्टिमस को मारने के लिए बढ़ता है। तभी वहां एयर रेजर आकर उनकी मदद करने लगती है। सिचुएशन को देखते हुए स्कर्च वहां से चुपचाप निकल जाता है। एयर रेजर उन्हें सारी सच्चाई बताती है। स्कर्च यूनिकॉर्न को जाकर ट्रांसवॉर्प की सौंपता है जहाँ यूनिकॉर्न उससे कहता है बेवकूफ़ी आदि की है, जाओ जाकर इसका दूसरा हिस्सा भी लेकर आओ नहीं तो तुम्हारा वो अंजाम होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। एयर रेजर सभी को समझाती है चिंता मत करो हमने की को दो हिस्सों में बांट दिया था। नुआ एंड ऑप्टिमस में बहस होने लगती है जहां एयर रेजर उन्हें शांत कर बताती है दूसरे हिस्से का मुझे नहीं पता मैं अपनी प्रजाति में आखिरी बची हुई मैक्सिमल हूँ। अलीना बताती है मैंने रिसर्च से पता लगाया है की का दूसरा हिस्सा पेरू में है। नुआ उनके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ऑप्टिमस उसे ले जाने से मना कर देता है जहां नुआ कहता है मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठ सकता जो अपने प्लेनेट को भी नहीं बचा पाए। बेहतर यही होगा ये हमारा घर है और इसे बचाने के लिए मैं साथ चलूंगा। फिर सभी मान जाते हैं। नुआ अपने ब्रदर से मिलने आता है और उसे लास्ट गुड बाय करता है जहां क्रिस मराज से मिलकर उसे अपने ब्रदर की प्रोटेक्शन करने का प्रॉमिस लेता है। नेक्स्ट डे उन्हें स्ट्रेटोस्फीयर अपने साथ पेरू ले जाने लगता है जहां नुआ अलीना के साथ दूसरा प्लान बनाता है और उससे कहता है एक बार की हमारे पास आने के बाद हम उसे तोड़ देंगे जिससे हम अपनी धरती को खत्म होने से बचा पाएंगे। पेरू में उन्हें बिलजैक मिलता है जो बताता है तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो जगह वहाँ पर है पर आज उन लोगों का रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा है। फिर नुआ एंड अलीना फेस्टिवल के बीच से जाने लगते हैं जहाँ मिराज इमरजेंसी के लिए नुआ को हैंड सूट देता है। स्कर्ज भी वहाँ पहुँच कर अपने प्रेडाकोन को उसके पीछे भेजता है। नुआ एंड अलीना लोकेशन पर पहुँच कर पजल को डिकोड करते हैं और सुरंग के गेट को खोलकर आगे जाते हैं जहां उन्हें ताबूत मिलता है पर उसके अंदर उन्हें ट्रांसवॉर्प की नहीं मिल पाती। प्रेडाकोन उन पर हमला करता है। वो उसे जैसे तैसे बचकर भागते हैं और टनल से जंगल की ओर जाने लगते हैं। नुआ अपने हैंड सूट से प्रेडाकोन को ठिकाने लगाता है। ऑटोबोट्स उन्हें बचाने के लिए बढ़ते हैं जहाँ टेराकोन्स उनके पीछे थे इसीलिए उनका आमना सामना होता है। प्राइम एंड स्कर्ज लड़ने लगते हैं। इस बार प्राइम उसे अच्छा सबक सिखाना चाहता था। फाइट के बीच वहाँ एयर रेजर पहुँचती हैं जिस पर स्कर्ज डार्क एनर्जी रोबोट छोड़ता है जिससे एयर रेजर का सिस्टम करप्ट होने लगता है। आगे नुआ एंड अलीना के पास मैक्सिमल प्राइमल आता है जहाँ ऑटोबोट्स एंड मैक्सिमल एक दूसरे को नहीं पहचानते थे जिस वजह से वो आमने सामने आ जाते हैं। एयर रेजर वहाँ आकर दोनों साइड्स को शांत रहने को कहती है और प्राइम को अपनी टीम के बारे में बताती है। प्राइमल ऑप्टिमस को बताता है मेरा नाम तुम्ही पर रखा गया है साइबोट्रोन के महान योद्धा। प्राइमल सभी को अपने साथ लेकर की के पास ले जाने लगता है। इसी बीच वो उन्हें बताता है हम मैक्सिमल्स ट्रांसफॉर्मर्स की एडवांस स्पीशीज हैं जिन्हें दूसरे प्लेनेट पर बसा दिया गया था। हमारा काम लाइफ को नए नए प्लेनेट्स पर डेवलप करना था पर यूनिकॉर्न ने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया जिसकी वजह से हमें यहाँ आकर छिपना पड़ा। वो उन्हें आगे ट्राइब दिखाकर बताता है इस ट्राइब के साथ हमने हजारों सालों से अपना दुख और इनका कल्चर शेयर किया है जिस वजह से इन्होंने हमारी सबसे कीमती चीज को सालों से सुरक्षित रखा। ट्राइब मेंबर्स उन्हें की लाकर देते हैं। प्राइमल बम्बलबी को अपने साथ लेकर एनाट्रॉन पर रखता है और बताता है इसे फिर से जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अलीना नुआ को कहती है तुम ऑप्टिमस जैसे ही हो। वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है और तुम अपने परिवार को। नेक्स्ट डे एयर रेजर के सिस्टम में डार्क मैटर फैल जाता है। वो अपना कंट्रोल खो
देती हैं और टेरकोन्स को सिग्नल भेजती हैं, जिससे वो यहाँ आने लगते हैं। प्राइमल सभी लोगों को अलर्ट करता है और फिर की जिम्मेदारी नोवा एंड एलिना को सौंप देता है। टेरकोन्स उन पर आकर जबरदस्त हमला करते हैं। नोवा की को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, पर प्राइम उसे आकर समझाता है, इस की से हम ऑटोबोट्स अपने घर जा सकते हैं, तुम्हें हम सभी के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी एयर रेजर वहाँ आकर की को अपने साथ ले जाती है और उसे स्कर्च को सौंप देती है। प्राइमल वहाँ पहुँच कर एयर रेजर से लड़ने लगता है, जहाँ एयर रेजर कुछ देर के लिए अपने सेंसेस में आकर उसे याद दिलाती है, अपना वादा मत भूलो, कीमत चाहे कितनी भी बड़ी हो। फिर प्राइमल ना चाहते हुए भी उसे खत्म कर देता है। सभी निराश होते हैं। उनके हाथ से की का दूसरा हिस्सा भी निकल गया। स्कर्च दोनों पार्ट्स को जोड़कर यूनिकॉर्न को पृथ्वी पर आने के लिए ट्रांसवॉर्प मशीन को तैयार करता है, जिससे आसमान में पोर्टल खुल जाता है। ऑप्टिमस नोवा से माफी मांगता है और समझाता है, हम अपने अपने घर के लिए लड़ रहे थे, अब वक्त आ चुका है हम साथ मिलकर उसका सामना करें। प्राइमल उन्हें बताता है ट्रांसवॉर्प मशीन अब शुरू हो चुकी है, अब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो वो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसका एक्सेस कोड, जिसका किसी को नहीं पता। अलीना बताती है, मुझे उस कोड का पता चल गया है, मैंने सभी जगह के साइंस से उस कोड को डिकोड कर लिया था। प्राइमल फिर नोवा एंड अलीना को बताता है ट्रांसवॉर्प मशीन के नीचे छोटी छोटी सुरंगें बनी हुई हैं, तुम्हें वहाँ से जाना है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। प्राइम अपनी टीम के साथ टेरकोन्स की विशाल आर्मी पर हमला करता है। मैक्सिमल्स वॉरियर मोड में रूप बदलते हैं। भीषण युद्ध की शुरुआत हो जाती है। मिराज सीधा स्कर्च से टकराता है, पर उसके सामने टिक नहीं पाता। स्कर्च नोवा को देखकर उसे टनल में ही पकड़ लेता है। मिराज उसे जैसे तैसे कर बचाता है और नोवा को दिया हुआ अपना वादा निभाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। यूनिकॉर्न अर्थ पर आने लगता है और अपनी आर्मी को भेजता है। नोवा निराश हो जाता है और बताता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। क्रिस उसे शांत कर मोटिवेट करता है। तभी मिराज बोलता है, मेरी पावर्स खत्म हो गई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसका एक्सोसूट बन जाता है। नोवा फिर सीधा स्कर्च से दो दो हाथ करने लगता है। प्राइम उसकी मदद के लिए वहां पहुंचता है। दोनों साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। ट्रांसवॉर्प मशीन भारी एनर्जी रिलीज करती है, जिसे एनर्जीन पर बम्बलबी फिर से जिंदा हो जाता है। प्राइम कमजोर पड़ने लगता है, उसे प्रेडकॉन्स आकर घेर लेते हैं। बम्बलबी युद्ध में आकर शानदार एंट्री मारता है और सिचुएशन को संभाल कर नाइटबर्ड को वहीं खत्म कर देता है। एलिना सिस्टम में पासवर्ड अपलोड करने लगती है। ऑप्टिमस कर्ट से वन ऑन वन फाइट करता है। नो एंड बम्बलबी साथ मिलकर टेरकॉन्स को निपटाने लगते हैं। ऑप्टिमस कर्ट की छाती में तलवार डाल कर उसे लावा में डालता है, जहां स्कर्च अपने आखिरी वार से मशीन के सिस्टम को तबाह करने में कामयाब होता है। तभी प्राइम उसे अपनी असली ताकत दिखाता है और उसे वहीं ढेर करता है। सिस्टम तबाह हो जाता है। सिचुएशन को देखते हुए प्राइम खुद का सेक्रीफाइस करता है और बम्बलबी को ऑटोबोट्स की जिम्मेदारी सौंपता है। सभी मैक्सिमल्स एंड ऑटोबोट्स वहां से निकलते हैं। यूनिकॉर्न ऑप्टिमस को लालच देने लगता है, तुम जो चाहते हो वही मैं करूंगा। प्राइम उससे कहता है, तो अब मरो। फिर वो सिस्टम को मैनुअली डिस्ट्रॉय करता है, जिससे मशीन सब कुछ अपने अंदर खींचने लगती है। ऑप्टिमस खुद को रोकने लगता है, जहां उसकी जान बचाने के लिए नोवा आता है। फिर प्राइमल भी उनका साथ देने लगता है। वो सभी साथ मिलकर वहां से निकल जाते हैं। स्पेस पोर्टल बंद हो जाता है। उन सभी की मेहनत रंग लाती है, वो कामयाब होते हैं। आरसी ऑप्टिमस से पूछती है, क्या यूनिकॉर्न मारा गया? ऑप्टिमस बताता है, वो मरा नहीं है, वो कभी भी लौट सकता है, पर इस बार हम साथ मिलकर उसका नाम निशान मिटा देंगे। नोवा अपने दोस्त मिराज को अपने साथ ले जाता है, जहां वो अपने भाई क्रिस से मिलता है। फिर नोवा जॉब ढूंढते हुए इंटरव्यू में जाता है, जहां उसे पता चलता है एलिना को भी अब उसकी रिसर्च से पॉपुलरिटी मिल गई है। वो फिर वर्क से मिलता है, जहां वो अपना हिडन मिशन बताने लगता है, पर वो उससे पूछता है, तुम्हारे फॉर्म में तो वो मिशन है ही नहीं। वो फिर पेरू का जिक्र करता है, जिससे सुनकर नोवा चौंक जाता है और उससे पूछता है, आप कौन है?
जिसे इतना सब पता है। बर्क उसे बताता है, हम इस वक्त एक जंग के बीच में हैं। हम चाहते हैं आप और आपकी पूरी टीम हमें ज्वाइन करे और हम आपके ब्रदर क्रिस का पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट उठाएंगे। ऐसा सुनकर नोवा खुश होता है। वो उसे बताता है, आपने हमारी दुनिया को बचाया है, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। फिर वो उसे अपना कार्ड देकर जाने लगता है। नोवा कार्ड को पढ़ता है जिस पर GIO लिखा था। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में नोवा रिक के पास आता है, जहाँ रिक उसे पोर्श के पार्ट्स लाकर देता है, जिससे मिराज फिर से ठीक हो जाता है। रिक उसे देखकर घबरा जाता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।